तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक हॉन्टेड प्लेस, और यहाँ पे पहले जो है कि लोग रहते थे लेकिन अभी छोड़ के चले गए हैं, और ये एकदम हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग रात के टाइम पे नहीं आते, इवनिंग टाइम पे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे सब टूटा फूटा है, क्या है। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और आपको हॉन्टेड प्लेस का एक्सप्लोर कराता हूँ कि किस टाइप के हैं। ये देखिए, ये जो है एक हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है, उससे पहले सब रहते थे, लेकिन पूरा देखिए किस्सा टूटा फूटा है। यहाँ पे देखिए सब शीशे टूट गए हैं, और ये किचन बना हुआ था, ये यहाँ पे लोगों को रहने के लिए चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा पता नहीं क्या हुआ, अभी किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सब अलमीरा बनी हुई थी, तो यहाँ पे पहले क्या था, ये अनाथ आश्रम था, अनाथ आश्रम था, तो शायद वहाँ पे किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसके बाद से सब छोड़ के चले गए। ये देखिए, ये बेडरूम था, और अंदर एक बेडरूम है, ये हॉल था एक्चुअली, और ये आप देख सकते हैं बड़ा सा हॉल है पूरा है ये, लेकिन इस टाइम पे बन चुका है हॉन्टेड प्लेस। तो ये हॉन्टेड हाउस की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, अभी मैं ले चल रहा हूँ आपको जो है कि छत पे, और टेरिस पे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से हॉन्टेड प्लेस का टेरिस है। मैं टेरिस पे आ गया हूँ दोस्तों, और आप हॉन्टेड प्लेस से जो ये हॉन्टेड हाउस है उसके टेरिस पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ से मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि इसके साइड साइड में किस टाइप का लोकेशन है। ये आप देख सकते हैं सब चारों तरफ से जंगल जंगल है। ये देखिए, स्विमिंग पूल बनाया गया था यहाँ पे, और ये बच्चों को खेलने उलने के लिए स्लाइड जो है सीमेंट का ही बनाया गया था, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से सारी चीज़ें बंद हो गई, और यहाँ पे अभी लॉक लग गया है। जंगल में घूमता हुआ सिक्योरिटी गार्ड। ये जो हॉन्टेड प्लेस है वो समंदर के बगल में निकलता है, आप देख सकते हैं यहाँ का नेचर और नज़ारा बहुत ही है प्यारा। और यहाँ पे अनाथ आश्रम बना हुआ था और बच्चे लोग रहते थे, लेकिन किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद से ये पूरी तरीके से खाली और बिखरा पड़ा है, और ये हॉन्टेड प्लेस घोषित हो गया है। आप देख सकते हैं समंदर का नज़ारा यहाँ से।